कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनका नाम इफ्तिखार साहब है, योगी सरकार ने 6 साल पुराना उनका एक वीडियो निकाला जिसमें वो बैठे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है और 8-10 लोगों से कहा जा रहा है कि इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की तरफ लोगों को रागिब करो। उसमें ना किसी को पैसे देने की बात कि तुम पैसे ले लो, दीन कबूल करो, ना उसमें किसी को डराया गया। मगर योगी सरकार 6 साल पुराने वीडियो को निकालकर एक सीनियर, एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर को परेशान कर रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुभाना व तआला इफ्तिखार साहब की मदद करे, और अल्लाह जरूर करेगा इंशाअल्लाह। और दीन की दावत हम देते रहेंगे। संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है, अगर कोई दीन कबूल करता है, कोई भी दीन, अगर पैसों का लालच दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत है। मगर आप ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार साहब ने ये किया। अच्छा, इफ्तिखार साहब पर हुआ तो क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या सपा के लोगों ने कहा कुछ? क्या बीएसपी के लोगों ने कहा? मौलाना कलीम को जानते हैं ना? मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं? उनके बारे में किसी ने कुछ कहा? क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि अगर इफ्तिखार और कलीम के बारे में कहेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। दूसरों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते और हमारी तकलीफ और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इसीलिए मैंने कहा यह सियासी सेकुलरिज्म को मैं जूती पर रखता हूं। जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको सलाम करता था और सलाम करता रहूंगा।